नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत अहलूवालिया और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली एनल केनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और स्टूल्स पास करते हुए उनके छिलने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहती है और बिल्कुल फ्रेश ब्लड जैसे लाल खून जो बिल्कुल ताज़ा खून है वो हमें स्टूल्स के ऊपर गिरता हुआ दिखता है और इससे पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास आते हैं और हमें एग्जामिनेशन करके पता चलता है कि ये पाइल्स है। इसको हम कुछ और कंडीशन से पेशेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज करते हुए देखते हैं, जैसे कि फिशर इन एनो। फिशर में बहुत तेज़ दर्द के साथ हल्का सा ब्लड आता है और वो एक जस्ट सिर्फ जख्म है, जबकि पाइल्स में ये ऑलमोस्ट यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग होती है और ये बड़े ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लीडिंग है। पाइल्स में हम पेशेंट को एग्जामिन करके ओपीडी में देख पाते हैं कि उसके इनल केनाल के अंदर बड़े बड़े ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून आने का कारण है और उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना कराया जाए तो चलते टाइम के साथ साथ ये पाइल्स बड़े होते रहते हैं, ये इनल केनाल से बाहर आने लगते हैं, उठने बैठने में दिक्कत करते हैं, इसमें दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है और इसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को अनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। कुछ केसेस में इन पाइल्स में खून जम जाता है जिन्हें हम थ्रोम्बोस्ट पाइल कहते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और धीरे धीरे ये खून अंदर ही अंदर अपने आप घुल कर ये पाइल ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये पाइल्स बढ़कर एनल केनाल से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं और अगर वहीं फंस जाएं तो स्ट्रैंगुलेट हो सकते हैं, इनमें खून का दौरा बिल्कुल बंद हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये एक एमरजेंसी बन जाता है। तो हमारी यही एडवाइस है कि अगर आप पाइल से परेशान हैं तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ताकि टाइमली हम इसकी सर्जरी कर पाएँ। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतना छोटा ऑपरेशन होगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी और उतने ही कम कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहेगा। यूजुअली इन पेशेंट्स में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि ये एक ब्लड वेसल्स हैं जिनका साइज़ बढ़ गया है और मेडिसिन से इनके सिम्टम्स को कुछ देर तक रोका जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ये ब्लड वेसल्स और बढ़ते रहते हैं और अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन इनमें ना किया जाए तो ये बढ़कर फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हेमोरॉइड किस स्टेज में है। अगर तो अर्ली हेमोरॉइड्स हैं यानी कि वो स्किन से या इनल केनाल से बाहर नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ सिंपलर तरीके से इनको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें से हेमोरॉइड बैंडिंग बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है। बैंडिंग में हम एक रबर का बैंड हेमोरॉइड के ऊपर के हिस्से में लगा देते हैं जो कि पेन सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि उस बैंड को लगाने से पेशेंट को दर्द नहीं होगा क्योंकि उस हिस्से में दर्द वैसे भी हम परसीव नहीं कर पाते। तो ये बैंड लगाने के बाद जो पाइल्स की ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है और कुछ ही दिनों में ये पाइल्स अपने आप ही सिकड़ जाती हैं और ब्लैंड अपने आप झड़कर बाहर निकल जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह का नशा या सुनपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत जल्दी कुछ घंटों बाद ही घर जा सकते हैं। पर इसका डाउनसाइड ये है कि अगर दो से ज़्यादा पाइल्स हैं तो हमें इसे दो या तीन बार रिपीट करना पड़ सकता है ताकि हम हर एक हेमोरॉइड को प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। अगर बहुत बड़े हेमोरॉइड्स हैं बाहर आ गए हैं तो उन केसेस में ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके अलावा हेमोरॉइड्स में इंजेक्शन लगाना एक बड़ा पुराना तरीका है, लेकिन बैंडिंग के बाद अब हेमोरॉइड्स में इंजेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि बैंड्स उससे एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। इसके बाद अगर हेमोरॉइड्स बड़े हो गए हैं और बैंड नहीं किए जा सकते तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड यानी कि हेमोरॉइडेक्टमी की जा सकती है, जिसमें हम ये खून की नसों को काटकर निकाल देते हैं और इनके बेस में एक स्टिच लगा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये एक बहुत पुराना तरीका है और इसमें
अच्छी बात यह है कि हेमोरॉइड्स जो हैं वो पूरे के पूरे काट कर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक पेन सेंसिटिव एरिया है तो पेशेंट को तकलीफ़ रहती है ऑपरेशन के कुछ दिन तक, और ये जख्म भरने में टाइम लेते हैं बिकॉज इस एरिया में पट्टी नहीं की जा सकती। ये एरिया बार बार स्टूल पास होने की वजह से इन्फेक्टेड रहता है और रिकवरी पीरियड थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है। पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इन जख्मों को भरने में। सो इन कारणों से आजकल कुछ एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिनमें हम बड़े हेमोरॉइड्स को और ईजीली टैकल कर सकते हैं, जिसमें से एक है स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी, जिसमें कि हम एक स्टेपलर की मदद से पाइल्स के ऊपरी हिस्से जहां पर हम दर्द महसूस नहीं कर सकते उस एरिया पर एक स्टेपलर फायर करते हैं, और निचला हिस्सा जो कि पेन सेंसिटिव है जहां पर दर्द होता है उस एरिया में बिल्कुल भी कोई भी कटिंग नहीं की जाती। ये पाइल्स की जड़ों में जहां पर खून जा रहा है उसे एक तरीके से काट देता है और पाइल्स अपने आप ही सूख जाती हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, दर्द भी बहुत कम होता है, और इसीलिए ये एक अपकमिंग प्रोसीजर है हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हम लेज़र के राहें भी इसे ठीक कर सकते हैं। लेज़र फाइबर से हम हेमोरॉइड्स को अंदर ही अंदर कुछ हद तक बर्न कर सकते हैं, उनकी रूट्स पर एक स्टिच लगाकर बाकी जो हेमोरॉइड है उसको लेज़र से फाइब्रोस कर सकते हैं, और इससे भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा एक डॉपलर गाइडेड यानी कि एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है जो बताता है कि हेमोरॉइड में कौन सी खून की नस है जो मेनली इन्वॉल्व है, उसको हम उसी टाइम लोकेट करके एक डॉपलर की मदद से उस पर स्टिच लगा सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर सकते हैं। इस टेक्निक से भी बहुत कम ब्लीडिंग होगी, बहुत कम इन्फेक्शन या चीरे का इंसिडेंस होगा और रिकवरी फास्ट रहेगी। सो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें हम हेमोरॉइड्स की रिकवरी को बहुत बेटर बना सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। सो इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि हेमोरॉइड्स ना हों या अगर हो गए हैं तो ये दोबारा ना हों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अपनी बॉवल हैबिट्स अच्छी रखिए, अच्छी हाई फाइबर डाइट लीजिए, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कीजिए, टाइम टू टाइम जब भी आपको स्टूल पास करने की अर्ज होती है इमीडिएटली स्टूल पास कीजिए, उसको होल्ड ना कीजिए। अच्छी अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए जिसमें एक लिमिट की एक्सरसाइज हर रोज़ाना कीजिए, अपने डाइट में सैलड्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी अच्छी रखिए। इन सब मेथड से आप हेमोरॉइड से कुछ हद तक बच भी सकते हैं, और अगर आप इनसे सफ़र कर रहे हैं तो इसमें रिकवरी को में भी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और इसके अलावा अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, पूछना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।